हेलो विद्यार्थी मित्रों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आ परिस्थिति में आपणे अत्यारे घरे छीए एटला माटे ऑनलाइन लेक्चर आवे छे। तो आजे आपणे हिंदी में धोरण 7 में आपणे बे जे पाठ छे आपणा पहेला बे ते आपणे जोई गया। हवे तेनुं जे व्याकरण आवे छे ते पण आपणे जोयेलुं, विराम चिन्हो अने जे बधा अल्पविराम पूर्ण विराम એ બધા આપણે જોઈ ગયા। હવે જોવાનું છે કે આપણા જે અભ્યાસક્રમમાં એક કહાની લેખન આવે છે, એટલે કે કોઈ પણ એક કહાની લખવાની આવશે, તો આપણે એ કહાનીનો પરિચય મેળવીએ। સૌપ્રથમ તો તમને થોડાક મુદ્દા આપવામાં આવશે, એટલે કે મુદ્દા આપવામાં આવે તેના આધારે તમારે એક સ્ટોરી બનાવવાની હોય છે, એક કહાની બનાવવાની હોય છે। તો આજે આપણે એવી એક સરસ મજાની એક કહાની વિશે માહિતી મેળવીએ। તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ। કહાની કા નામ હૈ પાણી કા પૈસા પાણી મેં। કહાની કા શીર્ષક ક્યા હૈ? તો કે પાણી કા પૈસા પાણી મેં। યહાં આપકો ઉપર દિખાઈ દે રહા હોગા કે જો પોઈન્ટ્સ દિયે ગયે હૈ, મુદ્દે દિયે ગયે હૈ કે હમે વો જો મુદ્દે હૈ उसका उपयोग करके हमें कहानी बनानी है। तो पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एक ग्वाला मींस के जो चरवाहा होता है वो दूध बेचना, दूध में पानी मिलाना, अमीर बनना, भैंस खरीदने के लिए निकलना, रास्ते में नदी, पैसों की थैली किनारे रखकर स्नान करना, बंदर का थैला उठाना, पैसे फेंकना, कुछ जमीन पर कुछ पानी में, और जो अंत है उसमें क्या आएगा? तो कि सीख। इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है, क्या बोध मिलता है वो लिखना है। ओके, तो समझ गए ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं उससे हमें क्या बनाना है, स्टोरी बनानी है। तो हम देखते हैं, एक ग्वाला, तो उसके हिसाब से हम अपने जो काल्पनिक विश्व है हमारे अंदर उससे हमें बनाना है। कैसे? तो के मोहन नाम का एक गरीब ग्वाला था। तो आ गया हमारा पहला पॉइंट जो है वो कि ये ग्वाला तो कौन था? तो के मोहन नाम का एक गरीब ग्वाला था। उसके पास दो भैंसे थी। उसके पास कितने भैंसे थी? दो भैंसे थी। वो हमें कैसे पता? क्योंकि हमें कल्पना करनी है, क्योंकि उसका व्यवसाय क्या है? दूध बेचने का। तो दूध बेचने का व्यवसाय होगा तो उसके पास गाय, भैंस, भेड़, बकरिया सब कुछ होगा। तो यहाँ हम भैंस लिखते हैं। उसके पास दो भैंसे थी। उनका दूध बेचकर वह अपने परिवार का निर्वाह चलाता था। तो जो दूध है वो बेचना, वो पॉइंट आ गया कि उनका दूध बेचकर वह अपने परिवार का निर्वाहन चलाता था। उसकी आमदनी अधिक नहीं थी पर उसे संतोष था। उसकी आमदनी अधिक नहीं थी क्योंकि दो भैंस के दूध में से बहुत ज़्यादा आमदनी आती नहीं थी, पर वो अपने जो आमदनी मिलती थी उससे संतुष्ट था। समय बीतता गया। गांव में धनी लोगों का ठाट बाट देखकर मोहन को भी अमीर बनने का लालच हुआ। मोहन को क्या हुआ? तो कि लालच, अमीर बनने का लालच हुआ। ज्यादा धन कमाने के लिए वह दूध में पानी मिलाकर बेचने लगा। दूध में क्या मिलाता था? पानी डाल के बेचने लगा। हम देख सकते हैं कि कितने सारे लोग अभी दूध में क्या मिलाते हैं, सारा केमिकल मिलाते हैं, कुछ लोग क्या कैसी कैसी चीजें दूध में मिलाई जाती है लालच के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो वैसे ही मोहन को अमीर बनना था, इसलिए उसने क्या किया? तो कि उसने पानी मिलाना शुरू किया। धीरे धीरे मोहन भी अमीर बन गया क्योंकि पानी का पैसा तो उसे मिलेगा ही, तो वैसे वो भी अमीर बनता गया। उसने एक और भैंस खरीदने का विचार किया क्योंकि उसके पास पैसे आ गए। तो उसने सोचा कि मैं एक और भैंस ले लूंगा तो क्या होगा कि मेरे जो दूध उत्पादन है उसमें वृद्धि होगी। एक दिन सवेरे मोहन भैंस खरीदने के लिए एक बड़े गांव की ओर चल पड़ा। रुपयों से भरी थैली उसकी कमर में बंधी थी। अब समझ सकते हो क्योंकि भैंस खरीदने गया था तो रुपये अपने साथ ले गया था।
रास्ते में एक नदी आई। मोहन ने सोचा मैं इस नदी में स्नान कर लूं और कुछ जलपान करके फिर आगे बढ़ूं। मोहन ने अपने कपड़े और रुपयों से भरी थैली किनारे पर रख दी। इसके बाद वह स्नान करने के लिए नदी के पानी में उतरा। वह स्नान करने के लिए नदी के पानी में उतरता है। अचानक एक बंदर वहां आ पहुंचा। वह रुपयों की थैली उठाकर पेड़ पर चढ़ गया। वो जो रुपये थे उसकी थैली लेकर पेड़ का बंदर कहाँ चढ़ गया? पेड़ पे। वह थैली से रुपये निकाल कर नीचे फेंकने लगा। थैली से रुपये निकाल के क्या कहाँ फेंकने लगा? नीचे फेंकने लगा। कुछ रुपये नदी के पानी में गिरे और कुछ जमीन पर पड़े। जो वो बंदर था वो रुपये की थैली लेकर झाड़ पे चढ़ गया था। फिर वहां से वो जो सिक्के थे उसका वो नीचे डाल रहा था, फेंक रहा था। इसीलिए वो कुछ पैसे कहाँ गए तो कि नदी में, और कुछ पैसे जमीन पर पड़े थे। मोहन यह देखकर हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रहना मतलब कि वो आश्चर्यचकित हो गया। वो अपने आप को होश में नहीं रख सकता था क्योंकि उसके सारे पैसे थे वो उस थैली में थे, क्योंकि उसे जो नई भैंस लेनी जानी थी। तो वो देखता ही रह गया, उसे कुछ बोलने का अवसर ही नहीं मिला क्योंकि ये बंदर पैसे फेंकने लगा था। मोहन पानी से बाहर आया और जमीन पर पड़े रुपए इकट्ठे करने लगा। जब मोहन जो स्नान करने के लिए नदी में उतरा था वो बाहर आया और वो पैसे इकट्ठे करने लगा। लेकिन ज्यादा रुपये तो नदी के पानी में ही गिरे थे क्योंकि वो पेड़ से फेंक रहा था। तो जो नदी के पानी है, नदी का पानी, उसमें वो पैसे ज्यादातर चले गए। अब मोहन की समझ में आ गया कि दूध में पानी मिलाकर उसने जो रुपये कमाए थे वे सब पानी में चले गए। जो दूध में तेने पानी नाख्यू तू, दूध में उसने जो पानी डाला था उसका सारा पैसा कहाँ चला गया? तो के पानी में। और जो उसकी ईमानदारी के पैसे थे, उसकी प्रामाणिकता के, मेहनत के पैसे थे, वो जमीन पर रहे। उसने ऐसा सोचा। फिर उसने बहुत पछतावा हुआ। उसको बहुत पछतावा भी होता है क्योंकि उसने ऐसा काम किया, और दूध में पानी मिला के लालच का काम किया, इसलिए उसको पछतावा भी होता है। उसने कसम खाई कि अब वह कभी दूध में पानी नहीं मिलाएगा। वो उसने कसम खाई कि वो कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाएगा, क्योंकि उसे समझ में आ गया था, उसे सीख मिल गई थी कि जो पैसे उसने पानी से कमाए थे वो पानी में चले गए। क्योंकि दूध का जो मूल रूप है उसमें उसने पानी डालकर उसे बेचा, तो वो क्या हो गया? अमीर तो हो गया, पर एक समय ऐसा आया जब जो कर्म का सिद्धांत है कि जैसा जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा हम काम करेंगे वैसा ही हमें उसका फल मिलेगा। तो मोहन को क्या हुआ? तो कि मोहन ने जो पैसे लालच के लिए और अमीर बनने के लिए, जल्दी अमीर बनने के लिए जो पैसे पानी डालकर दूध में से कमाए थे, वो पैसे बंदर ने कहाँ डाल दिए? तो के पानी में, क्योंकि नदी में वो स्नान कर रहा था तब वो कुछ नहीं कर सका। तो वैसे हम भी सीख ले सकते हैं कि हमें भी कभी अनीति का पैसा लेना चाहिए नहीं। नैतिकता और मूल्य से और प्रामाणिकता से जो पैसे कमाए हैं वही पैसे हमारे काम में आते हैं, और जो अनीति का और हमने जो कुछ गलत काम करके जो पैसे कमाए हैं वो हमेशा कहाँ जाते हैं? तो वो पानी में ही जाते हैं, हमारे काम में वो पैसे नहीं आते। तो ये स्टोरी, ये जो कहानी है उससे हमें सीख लेनी है कि जो पैसे, जितने पैसे हम, जितनी आमदनी कमाते हैं उतनी आमदनी हम कैसे कमाए? तो प्रामाणिकता से और मेहनत से। कभी भी उसके उसमें हम अनीति का पैसा नहीं लगाएंगे। तो यह हम नीचे देख सकते हैं, सीख, बेईमानी की कमानी कभी टिकती नहीं, आदमी को अपने व्यवसाय ईमानदारी से करना चाहिए। कोई भी व्यवसाय क्यों ना हो, छोटे से छोटा व्यवसाय हो, फिर भी उसे ईमानदारी से ही वो करना चाहिए, वरना क्या होगा? तो के पानी का पैसा कहाँ जाएगा? तो के पानी का, नीति का, अनीति का पैसा कहाँ जाएगा? अनीति में।
तो इसलिए हमें ये जो कहानी है वो सीख देती है कि हमें हमेशा अच्छी तरीके से अपना कार्य और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। तो स्क्रीन पर ये जो दी गई कहानी है वो आपको बुक में लिखनी है, और जो मुद्दे दिए गए हैं यहाँ पे वो भी लिखने हैं, फिर यहाँ का शीर्षक, पानी का पैसा पानी में और सीख, ये सब आपको बुक में लिख लेना है। मैं ये होमवर्क में आपको भेज दूंगा। ओके, तो यहाँ तक आज रखते हैं।